हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना होता है, त्रि कोण मिति। त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का अर्थ होता है कोण, मिति का अर्थ होता है माप। जैसे एक शब्द में बोले तो तीन कोण की माप। यदि इंग्लिश की बात करें तो टिग्नोमेट्री ट्री गॉन मैट्री। ट्री का अर्थ होता है थ्री, गॉन का अर्थ होता है साइड, मैट्रिक का अर्थ होता है मैट्रॉन, अर्थात तीन भुजाओं की माप। तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के भुजा तथा कोण से संबंधित फलकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। ये कोई एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसको नाम दे देते ए बी सी। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी का मान कितना है अपने पास, 90, तो वहां 90 रख दे, प्लस कोण सी बराबर 180, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना जाएगा, 90। अर्थात कोण ए का मान तथा कोण सी का मान भी कितना हुआ, 90। तो यदि थीटा ये है तो थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है उसे बोलते हैं लंब, और जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे बोलते हैं करण। तो नीचे क्या बच जाएगा, आधार। यदि यदि थीटा को यहां मान लिया जाए, थीटा को यहां मान लिया जाए, तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब तथा 90 डिग्री के सामने वाले भुजा करण, तथा ये क्या बच जाएगा, आधार। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की खोज अनेक वैज्ञानिकों ने की, जिसमें एक पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक था, जिसने एक प्रमेय दी जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। अब आती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हल्का सा जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज बनाने वाले जो भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस ने एक फॉर्मूला या एक सूत्र दिया जो ये है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
भाई अपने पास समकोण त्रिभुज ये है, ये 90 डिग्री हो गया, इसको नाम दे दिया ए बी सी। तो अपन को पता है कि ये 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या होती है, करण। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ये क्या होता है, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो गई कि आधार तथा लंब के स्क्वायर या आधार तथा लंब के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। उसके बाद हम कुछ सवाल देख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। यदि ये एक समकोण त्रिभुज है, यदि इसका मान 3 है और इसका मान 4 है, तो कर्ण का मान क्या होगा? कर्ण का मान निकालेंगे कैसे? ये अपने पास पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो रख देंगे कर्ण कितना है, अपन को निकालना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, 4। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस लंब कितना है अपने पास, 3। तो 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 3 का करेंगे तो 9। कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 25। इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अतः कर्ण का मान कितना प्राप्त हो जाएगा अपन को, 5। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज, यदि इसका मान 13 है, इसका मान 12 है, तो लंब कितना होगा? तो इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। अपने पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितने हैं अपने पास, 13। 13 का स्क्वायर करेंगे, आधार कितना है, 12। तो 12 का भी स्क्वायर कर देंगे प्लस लंब अपन को क्या करना है, निकालना है। तो 13 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है, 169 बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस लंब का स्क्वायर। यदि अपन को लंब निकालना है तो क्या करेंगे, 169 में से 144 घटा देंगे, तो लंब बराबर कितना आ जाएगा, 25 का अंडर रूट। तो लंब आ जाएगा कितना, 5। यहां लंब 5 हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि इसका मान 2 है, इसका मान 1 है, तो अपन कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार 2 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 1, 5 का क्या कर देंगे, अंडर रूट। तो ये किसका मान आ जाएगा, कर्ण का मान अंडर रूट ऑफ 5। उसके बाद देखते हैं त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं, साइन थीटा,
कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक थीटा और कॉस सेक थीटा। उसके बाद आती है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। पहले त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में कुछ जान लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य जो संबंध होता है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य जो संबंध होता है उसे क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, लाल बटे कक्का यदि इंग्लिश में बात की जाए तो इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहां देखते हैं कि जो फर्स्ट वाली लाइन है वो साइन को, साइन थीटा को, सेकंड कॉस थीटा को, उसके बाद लास्ट की टेन थीटा को। टेन तक हुआ है अपना, उसके बाद आता है कॉट। तो टेन के जस्ट नीचे की कॉट होती है, उसके बाद सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन के विपरीत क्या होता है? कॉस। यदि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर वन बटे कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा बराबर वन बटे साइन थीटा। तो इसी प्रकार कोस थीटा बराबर क्या होगा? वन बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होगा? वन बटे कोस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर वन बटे कॉट, और कॉट बराबर क्या होगा? वन बटे टेन थीटा। इंग्लिश में बात की जाए तो ये होता है साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, टेन थीटा। टेन के जस्ट नीचे क्या होता है? कॉट थीटा। कॉस के नीचे सेक थीटा, और साइन के नीचे क्या होता है? कॉस सेक थीटा। तो अपन को पता है कि त्रिभुज में तीन भुजा होती है, लंब, आधार और कर्ण। तो यहां पे क्या हो गया? साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। उसके बाद आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है कि एक बटे टेन, मतलब कॉट का उल्टा, टेन ए बटे एल। सेक थीटा, ये कॉस का उल्टा होता है तो के बटे ए। उसके बाद आता है कॉस एक थीटा। कॉस एक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? के बटे एल। तो यहां पर अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, यदि साइन थीटा बराबर एक बटे दो है तो सेक थीटा बराबर क्या हुआ? तो भाई अपने पास फॉर्मूला होता है, लाल बटे कक्का। तो अपन को पता है साइन क्या होता है? एल बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण।
लंब की वैल्यू क्या हो गई? एक। करंट की वैल्यू कितनी हो गई? दो। उसके बाद अपन को निकालना है क्या? आधार। आधार निकालेंगे, करण अपने पास दो है, लंब एक है, तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज। करण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। करण कितने है अपने पास? दो का स्क्वायर बराबर आधार अपन को ज्ञात करना है प्लस लंब कितना है? एक। तो एक का क्या कर दे? स्क्वायर। तो दो का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? चार। एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? एक। इधर आएगा पक्षांतरण करेंगे तो एक आधा स्क्वायर। तो चार में से एक जाएगा तीन बराबर आधार कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ तीन। उसके बाद अपन को निकालना है क्या? सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है अपना? के बटे ए। के बटे ए। तो करण का मान कितना है यहाँ पे? दो बटे आधार कितना है? अंडर रूट ऑफ तीन। तो ये अपना क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि टेन थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा बराबर क्या हो? तो अपन को पता है कि भाई टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? तीन। आधार कितना है? चार। तो करण निकालेंगे, लंब हो गया तीन, आधार हो गया चार, तो करण निकालेंगे तो करण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है अपने पास? चार। तो चार का स्क्वायर कर देंगे प्लस लंब कितना है? तीन। तो तीन का स्क्वायर करेंगे तो चार का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 16 प्लस तीन का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो करण निकालेंगे तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 का अंडर रूट। तो करण बराबर कितना आ जाएगा? 5। यहाँ करण का मान कितना हुआ है? 5। उसके बाद अपन को निकालना है क्या? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? एल बटे के। एल का मान कितना है यहाँ पे? तीन बटे करण कितना है? 5। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा डॉट कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधा। लंब की वैल्यू कितनी है? तीन। आधार की कितनी है? चार। उसके बाद अपन निकालेंगे करण, लंब कितना है? तीन। आधार कितना होता है? चार। तो करण निकालेंगे, करण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 16, 9, 25। 25 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो करण का मान कितना आ गया? 5। फिर उसके बाद साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटे करण इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे करण। लंब कितने हैं अपने यहाँ पे? तीन। तो तीन लिख लेंगे बटे करण कितने हैं? 5 इंटू आधार कितना है? चार। उसके बाद करण है, करण कितने हैं? 5।
तीन गुणा चार करेंगे तो 12, 5 गुणा 5 करेंगे तो कितना जाएगा 25। ये अपना क्या हुआ आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंबे बटे कर्ण। तो लंब कितना है अपना 3, कर्ण कितना है अपना 5। हम जानते हैं कि आधार भी कितना होगा 4। तो साइन साइन की वैल्यू रखेंगे, साइन कितना होता है L बटे K का स्क्वायर माइनस उसके बाद कॉस थीटा क्या होता है A बटे आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। तो अपना लंब कितना है यहाँ पे 3, कर्ण कितना है 5 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर माइनस आधार कितना है 4 बटे कर्ण कितना है 5 इसका भी क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 9 बटे 5 का करेंगे तो कितना आएगा 25 माइनस 4 का करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो 9 में से 16 जाएगा तो 7/25 जो किसके आएगी संख्या माइनस की। क्यों? क्योंकि 9 एक छोटी संख्या है और 16 बड़ी है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है।